हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज और एक नए ब्लॉग, नए दिन, नई सुबह के साथ शुरुआत हो रहा है। तो आज मैं जा रहा हूँ एक वाटरफॉल में। तो उस वाटरफॉल पे मैं नहीं गया, तो मेरा पहले बार जा रहा हूँ वहाँ पर, तो वो भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आपको भी दिखाना वाला हूँ। तो फिलहाल कल था संडे, तो संडे तो राइड नहीं हुआ, आज मंडे है, तो मंडे राइड की शुरुआत करता हूँ। जहाँ भी लॉन्ग राइड करता हूँ या छोटी मोटी राइड करता हूँ, तो प्रेयर जब मैं करता हूँ तो अच्छी तरह हम लोग वहाँ पहुँचे, तो कोई रास्ते पे कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए प्रेयर मैं करता रहता हूँ। तो हमारा डेस्टिनेशन जो वाटरफॉल है, तो ये लगभग 20 किलोमीटर ही होगा। तो लगभग 20 किलोमीटर होगा। तो हम लोग 8-9 बंदे यहाँ से निकलेंगे, तो बाइक और स्कूटी लेके। तो अभी हम लोग 2 बंदे ही निकले हैं। तो ये है ऑयल एक्ट प्लान। तो ये कैंसर के लिए खूब फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्ट प्लान है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पेचत्तल में कोई कुरियर है या नहीं है। तो ये रहा कुरियर सर्विस, ये ब्लू डार्ट, इनका ओनर है प्रदीप चकमा। तो इनका लोकेशन है जस्ट पार्किंग की, जो पार्किंग है तो पेचत्तल का पार्किंग है, उनका राइट लेफ्ट साइड ही है उनका लोकेशन। तो ये रहा, तो बुकिंग भी होता है, साथ में आप कुछ भी बेच सकते। तो बहुत सारे ने मुझे कमेंट किया फेसबुक में। तो फाइनली हम लोग निकल चुके। तो हम लोग जाना था 8 बजे, तो निकलते निकलते 11 बजे गए, तो इतने लेट हो गए और दूसरे बंदे आने में। वाटर क्रॉसिंग, ओ भाई मेरा पहला वाटर क्रॉसिंग। तो अभी हम लोग मासमारक क्रॉस किया है, तो यहाँ से लगभग और 15 किलोमीटर दूर है। तो पिछले बार भी आए थे इस रोड से, और एक वाटरफॉल है, तो वही वाटरफॉल नहीं है, ये दूसरे और एक वाटरफॉल है, लेकिन एक ही रोड पर है ये वाटरफॉल। तो पिछली बार जो वाटरफॉल में गया था, वहाँ से लगभग 10 या 12 इतना किलोमीटर दूर होगा वो जो वाटरफॉल, नया वाटरफॉल में आज जा रहा हूँ जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो आज का वाटरफॉल का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वाटरफॉल का नाम है, उसको नाम है साको आदम। इस आदम मीन्स विलेज। बहुत दिनों से प्लान कर चल रहा था जो लॉन्ग राइड के लिए, लेकिन नहीं, और एक प्लान होता है फिर कैंसिल होता है। किसी ना किसी को दिक्कत, किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है। तो हम लोग सोचा कि ज़्यादा नहीं 300-350 किलोमीटर दूर इतना जाएंगे, तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर भी वो भी कैंसिल होगा या नहीं होगा अभी मालूम नहीं है, शायद होगा या कैंसिल भी हो सकता है। ऊपर वाला की मर्जी के बिना कुछ भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है। जब टाइम आएगा, अगर बनता है राइड का प्लान, लॉन्ग राइड का प्लान, तो आप लोगों को मालूम होगा। तो जहाँ भी जाएंगे 4-5 दिन का राइड का टूर तो ज़रूर चलेगा। ऊपर वाले की भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बोल रहा हूँ आज भी कोई प्लान नहीं था मंडे का। कल रात तक हम लोग प्लान किया, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, नहीं प्लान नहीं बन रहा है। लेकिन सुबह ही तब 7 बज रहे जब फ़ोन कर रहा है सब, जितने भी भाई लोग है, दोस्त लोग है, तो एक वाटरफॉल है, खूबसूरत वाटरफॉल जो अनएक्सप्लोर है। तो जितने भी अभी लगभग हम लोग तो 8-9 बंदे आए, सब मिलके प्लान किया डिसाइड किया, तो चलते हैं वहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया। ये है
आगे तीन दो स्कूटी और एक बाइक जा रहा है, तो चलिए 9 बंदे हम लोग जा रहा है। तो अभी हम लोग कंचनपुर एंट्री हो रहा है, तो यही ब्रिज डिवाइड करता है कंचनपुर और माचमारा को। तो एक्चुअली ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, तो माचमारा ये है ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट, तो यही वही ब्रिज पर डिवाइड होता है माचमारा और कंचनपुर यानी नॉर्थ और ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट। यही है सको आदम। तो अभी हम लोग लैब की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से लगभग 4 मिनट का रास्ता बताया, तो गाड़ी भी जा सकता है और बाइक भी जा सकता है। बोला था हम लोग का जो जिससे हम लोग पूछा था जो वाटरफॉल वही, तो रोड तो अभी तक ठीक है, तो वही बंदा होगा शायद। हाँ वही, तो अभी पूछते हैं क्या किया। तो लगता है इस तरफ नहीं, चेंज करना पड़ेगा। अभी कच्चे रोड से जा रहे हैं हम लोग जंगल। ओ भाई स्लिप मत करो, धीरे 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 धीरे। ओ चले ओ चलो 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 मेरे दोस्त, चलो 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 चलो। वाह भाई क्या नज़ारा, चलो चलो चलो, फोटो सेक्शन चल रहा है, वीडियो चल रहा है। हाय तो जितने भी हम लोगों का बाइक है यहाँ पर पार्क किया है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा जंगल के बीचों बीच, बेम्बो के बीचों बीच, यहाँ पर पूरा जंगल है। तो पिछले वीडियो में मैं भी बोला था जितने भी वाटरफॉल है, जितने भी झरना है, वो तो जंगल के बीच जंगल के अंदर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ये तो वाटरफॉल अनएक्सप्लोर है ना, तो इतना यहाँ पर लोग भी आता नहीं। तो हम लोग ही जा रहे तो नीचे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, दिखाई दे रहे, तो एक आदमी जा रहा है नीचे बहुत दूर तक। तो नीचे ही वाटरफॉल है, आवाज़ ही सुनाई दे रहा है, तो बाकी और बंदे नीचे गए, सिर्फ हम लोग की ऊपर है। तो हम लोग अभी भी नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाके वाटरफॉल जहाँ है वहाँ पर मिलता हूँ। तो लगभग 20 मिनट लगा ऊपर से नीचे तक आने के लिए। देखो जाते वक्त यही पहाड़ हम लोग चढ़ाई करना पड़ेगा ऊपर तक, तो पता नहीं तो कैसे चढ़ाई करेंगे। तो एक छोटी सी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए कितना रोड और कितना पहाड़ चढ़ाई पर नीचे आना पड़ा, तो अभी चढ़ाई कैसे करेंगे तो रेस्ट करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो अभी वाटरफॉल का नज़ारा लीजिए। कोई सी जगह पर ले दो, सही जगह ले दो, सही जगह। किन्हीं लाइनों द्वारा जाना है? लाइनों
चक्कर हो रहा है। तो ये रहा नीचे तक वाटरफॉल, एक जलपुरी वहां पर है, ये जलपुरी लड़का वाला जलपुरी है, ये पहली बार दिखाई दे रहा है लड़का वाला जलपुरी। लड़का एक जलपुरी। तो अभी यहाँ पर घंटे दो घंटे तक चिल करेंगे, तो उसके बाद यहाँ से घर की तरफ भी निकलेंगे। तो ये जगह इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन रोड का कंडीशन थोड़ा खराब है, तो बाकी सब तो बढ़िया है, तो इतना भी बढ़िया नहीं है। तो 100 में से 50-50 देता हूँ मेरे मार्क। तो भाई तू कितना मार्क देगा 100 में से? 10, ओनली 10। रुको दूसरे बंदे से पूछता हूँ, तो 100 में से कितना पॉइंट देगा ये वाला वाटरफॉल को? भाई 100 में से कितना पॉइंट देगा ये वाटरफॉल को? 70, ओनली 70, क्योंकि ये 100% नहीं है। तो मे भी 50-50 होगा, तो 70 नहीं है, मैं 70 दे नहीं सकता क्योंकि रोड कंडीशन भी अच्छा नहीं है, तो इतना मस्त भी नहीं है, तो फिर भी 50-50। तो मेरा छोटे भाई रिमूव भाई वो सिर्फ 10 देता है मार्क। तो एक नीचे जा रहा है, अभी जाने का वक्त है। तो अभी 3:30 बज रहा है, तो लगभग हम लोग यहाँ पर 3.5 घंटे तक एंजॉय किया, खाना भी खाया, तो इस जर्नी में चिल किया, नहाया, सब कुछ किया। तो अभी घर जाने का बारी, तो हम लोग यहाँ चराई करने के लगभग 30 मिनट तो जरूरत है। यह कितना वाला पहाड़ दिखाई दे रहा है ये चराई करने के लिए, तो अभी 10-15 मिनट के बाद तो निकलेंगे यहाँ से। तो अभी टाटा बाय बाय, इस झरने को भी टाटा बाय बाय बोल रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे यहाँ पर, देखते हैं फिर टाइम मिलेगा तो आएंगे या नहीं आएंगे यहाँ पर, तो मिलते हैं ऊपर। अभी आखिरी बार इस झरने को दिखाता हूँ।
तो फाइनली हम लोग घर पर घर पहुंच गई। तो वहां पर जितना बड़ा पहाड़ था वो चढ़ाई करने के बाद इतना इतना थकावट महसूस हुआ कि बात करने का शरीर में ताकत नहीं था। तो 5 बज रहे तो लगभग मैं 4 बजे पहुंच गया। तो अभी नहा धो के फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करके तो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग तो यहीं पर एंड करेंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा साथ में ज़रूर बोलना। ओके, तो आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। टाटा, मिलते हैं और एक ब्लॉग पर। तो टाटा, बाय बाय।